नमस्कार दोस्तों, मैं यदुवंश यादव, आप देख रहे हैं श्री धौलागढ़ इंटरनेशनल। आज हम योगाचार्य हरेंद्र आर्य जी से मिलवाएंगे और आपको कौन से प्राणायाम से कौन से रोग में मुक्ति मिलेगी इसके बारे में आचार्य जी बताएंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्पवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिनां मृत्योर्मोक्षमामृता। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आज हम आपके लिए बाह्य प्राणायाम के बारे में बताएंगे, किस तरीके से बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करने से बवासीर से लेके भगंदर तक की बीमारी खत्म होती है। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास जब हम करें किस तरीके से करना है एक बार देख लेंगे, पहले देखें उसके बाद करेंगे। मुख के लिए बंद करके नासिका के माध्यम से पूरी श्वास को बाहर छोड़ें। जब बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तीरवंद्र लगते हैं, मूलवंद, उद्यानवंद और जालंधरवंद। नाभि से जो नीचे है वह मूलवंद, नाभि से ऊपर उद्यानवंद और गले में जालंधरवंद। तीनों वंदों को लगाते हुए बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक बार पूरी लंबी गहरी श्वास को बाहर छोड़ें। पुनः एक बार फिर करेंगे, पहले पूरी श्वास बाहर छोड़ें। इस तरीके से बाह्य प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम का जब प्रत्येक दिन हम 3 से 5 मिनट तक अभ्यास करते हैं, बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करने से होने वाले लाभ, खासतौर से सबसे ज़्यादा बवासीर का रोग होता है, भगंदर का रोग होता है, इन रोगों के लिए बाह्य प्राणायाम बहुत ही अद्भुत प्राणायाम है। इसी के साथ साथ युवाओं में धात सुपंदोष, माताओं बहनों में लिकुरिया सुपेत सिरदर्द आदि प्रकार की बीमारियों में भी रामबाण है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के अभ्यास से उदर से संबंधित समस्त प्रकार की बीमारी खत्म होती है। जब बाह्य प्राणायाम का अभ्यास हम 3 से 5 बार करेंगे तो हमें कभी भी उदर से संबंधित बीमारी नहीं हो सकती। पहले आप सीखें, सीखने के बाद करेंगे, पुनः एक बार फिर देख लेंगे किस तरीके से करना है। पूरी श्वास बाहर छोड़ते हुए उदर को पीठ से लगाने की कोशिश करते हैं, मलमूत्री गुदाओं को ऊपर से सिकुड़ते हुए
बाह्य प्राणायाम का अभ्यास हमें करना किस तरीके से ये सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मुख के लिए बंद करेंगे। मुख के लिए बंद करके पूरी श्वास बाहर छोड़ें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए मलमूत्री गुदाओं को ऊपर सिकोड़ें और उदर के लिए अंदर की ओर खींचें। जितनी समय तक आप उदर को अंदर खींचते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार आप उदर को अंदर खींच के रोक सकते हैं। जैसे ही आपकी सामर्थ्य खत्म हो तो पुनः नासिका के माध्यम से श्वास को अंदर भरेंगे। बाह्य प्राणायाम का जब अभ्यास हम करते हैं तो इसमें मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, तीनों बंदों को साथ साथ लगाया जाता है। एक बार मेरे साथ देखें किस तरीके से करना है। पहले मुख के लिए बंद करें, पूरी श्वास बाहर छोड़ें, मलमूत्र गुदाओं को ऊपर सिकोड़ें और उदर के लिए अंदर की ओर खींचें। थोड़ी को कंठकूप पर लगाएं। सामर्थ्य के अनुसार श्वास को रोकें। जब श्वास की सामर्थ्य खत्म हो जाए तो नासिका के माध्यम से श्वास अंदर भरें।